अर्चना जी, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। अर्चना जी, आप दो बच्चों की माँ हैं, आपको तो ये भली भांति पता है कि एक बच्चे को जन्म देना और उसकी परवरिश करना जो है वो कितना मुश्किल काम है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर इंसान अपने ये सारे तजर्बे जो हैं एक बुक में लिख दे तो कितने लोगों की हेल्प हो सकती है, मेरे जैसे लोगों की जिनके अभी भी बच्चे हुए हैं। अच्छा, मेरे साथ ना ऐसा बहुत बार होता है, मैं सोचता रहता हूँ मेरे आइडिया चोरी हो जाते हैं। अच्छा, जैसे मैं अभी ये बात सोच रहा हूँ कि काश ऐसा होता, अच्छा, कोई ऐसी बुक लिखते। लेकिन मैं तो बात ही कर रहा हूँ, एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है जिन्होंने इस सब्जेक्ट पे ऑलरेडी बुक लिख भी दी है, आज वो हमारी मेहमान है, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा, प्लीज वेलकम एशा देओल। आइए, जोरदार तालियां एशा के लिए। थैंक यू एशा, आपका हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, काफी देर बाद आई हैं आप जी। और बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। प्यारी हूं भी क्यों ना, धर्म जी रेमा जी की बेटी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एशा की जो बुक लॉन्च हुई है अम्मा मिया, सबसे पहले तो आपको इस खूबसूरत बुक के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। थोड़ा और विस्तार से बताएंगे एशा, इस बुक में क्या क्या है? वेल, ये बुक आप जैसे लोगों के लिए है जी, जिन्होंने अभी अभी घर में एक खूबसूरत मेहमान को वेलकम किया है जी। और वैसे ही मेरे भी दो लड़कियां हैं, तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया एक किताब लिखने के लिए। अच्छा जी। बेसिकली पहले बच्चे के बाद जो पहला साल होता है जी, जो आप अभी फेस कर रहे होंगे घर में, वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट होता है और कंफ्यूजिंग भी होता है। तो वैसे ही मैंने भी यू नो ये पूरा एक्सपीरियंस को एक अच्छी तरह से झेला, एंड आई थिंक कि मैंने काफ़ी कुछ ओवरकम किया वेरी ब्यूटीफुली विद द ग्रेस ऑफ गॉड। तो मैंने कहा ये सब मैं एक साथ एक बुक में बना के बाकी माओं को क्यों ना दूं। बिल्कुल, जो भी मेरे जैसे ये सब यू नो दे आर गोइंग थ्रू ऑल दिस, तो दिस बुक इज एक्चुअली लाइक अ गाइड फॉर ऑल द न्यू मदर्स। थैंक यू सो मच। आइए ईशा, बहुत बहुत स्वागत, आइए विराजमान हो जाइए। अच्छा ईशा की जो बुक है अम्मा मिया, इसमें स्टोरीज भी हैं, पेरेंटिंग पे एडवाइस भी है, बच्चों के खाने की रेसिपीज हैं। अच्छा, आपने एक ही बुक में इतना सारा कुछ लिख दिया, दूसरी बुक लिखने का मूड नहीं है? मैं सोच रही हूँ दूसरी बुक मे बी यू नो ऑन टिप्स के पति को कैसे बिहेवियर करना चाहिए विद द वाइफ आफ्टर हैविंग टू किड्स। ये किताब बहुत जरूरी है, आई थिंक सो। थोड़ा और एक्सपीरियंस हो जाए मुझे फिर मैं लिखूंगी। पर एक्चुअली जोक्स अबाउट, इस बुक से बहुत सारे लोगों की हेल्प होने वाली है, और जो बच्चों को जन्म देने वाले हैं और ब्यूटीफुल समय आ रहा है, तो आप इस बुक को खरीदें, इसको पढ़ें, सो ये आपके लिए बड़ी ही हेल्पफुल होगी। सो एशा से हम और भी बातें करेंगे, अभी वक्त है एशा की मम्मी जी को यहाँ पे बुलाने का। ताकि ये जो बच्चों की शरारतों की बातें कर रही हैं, इनके बचपन के राज भी थोड़े बाहर आए, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल वेरी चार्मिंग, हम सबकी चहेती बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल वन एंड ओनली हेमा मालिनी जी। Nice to meet you. Welcome. Yes. Welcome. आइए हेमा जी। जोरदार ताली एक बार हेमा जी के लिए हो जाए। हेमा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। हमेशा की तरह पिछली बार हेमा जी से मुलाकात हुई थी 2014 में, आज फिर 2007 में हम लोग मिल रहे हैं। रिवर्स ही जा रही है ये, देख लो आप, मैं गलत बोल रहा हूँ? मतलब लोग उम्र के साथ बड़े होते हैं और छोटी होती जा रही हैं। हेमा जी, हमारे शो में जब अक्सर ही फिल्म वाले कोई स्टार्स आते हैं, कोई भी इंडस्ट्री से आते हैं, तो मैं उनको एक सवाल पूछता हूँ उनकी फिटनेस को देख के, कि आपने क्या अनिल कपूर का डिप्लोमा किया हुआ है?
आपको देख के लगता है अनिल कपूर साहब ने आपका डिप्लोमा किया हुआ है. तो मैम आप इतना फिट कैसे रहती हैं? मैं डांसर, मैं डांस करती हूँ तो हर शो करना पड़ता है, तो वी हैव टू कीप आवर सेल्फ वेरी फिट, ये बहुत ज़रूरी है. तो आई डू माई योगा, एक्सरसाइज और खाने में भी बहुत ध्यान देती हूँ. वाह, तो जैसे हेमा जी कुछ लेडीज होती हैं जिनको ना तो मेहनत करनी ज्यादा, योगा करना है, ना ही वो खाने पे कंट्रोल कर सकती. नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ. देखो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात होगी. हेमा जी मैं तो नॉर्मली पूछ रहा था, मैं अपनी मम्मी की बात कर रहा था. अच्छा मेरी मम्मी आज एक्चुअली वो हमेशा हर शूट पे रहती हैं, तो आज अमृतसर गई हुई हैं. ओहो. तो उन्होंने मुझे फोन करके आज पूछा, कहती आज कौन आ रहा है? मैं कहा आज हेमा जी आ रही हैं. तो बड़ी अपसेट हुई, बोलती मैं 2 साल हो गए लगातार बैठी हुई हूँ, हेमा जी तब तो आई नहीं. तो मैंने कहा मम्मी अभी ऐसे पता नहीं था, पर मम्मी वी आर मिसिंग यू. हेमा जी हेलो बोल दो मेरी मम्मी को. हाय. पहले मालूम पड़ता तो आई वुड हैव कम मच अर्लियर. ईशा ये जो बुक है, आपके 2 बच्चे हैं, तो ये सिर्फ आपका एक्सपीरियंस है कि आपने हेमा जी की भी हेल्प ली उसमें? एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड मेरी है जो मैंने एक्सपीरियंस किया और जो मैंने लिखा है, और सरप्राइज है बुक में. ओके, तो अच्छी बात है, दर्शकों को एक सरप्राइज भी मिलने वाला है. हेमा जी आपको क्या लगता है, अभी आपने ईशा या आहाना को पाला और फिर अभी इनके बच्चों को आप देख रही हैं, ज्यादा शरारती कौन थी, ईशा आहाना कि इनके बच्चे? ईशा स्पेशली, ईशा और आहाना बहुत शरारती थे, कभी नहीं चाहती थी कि मैं बाहर काम करने के लिए जाऊं. अच्छा जी. तो हमेशा मुझे पकड़ के रखती थी. सेम थिंग आई एम सीइंग राधिया डूइंग, इसके पीछे गोद में बैठी रहती है, इसको छोड़ती नहीं, नहीं जाने देती है. नहीं नहीं जाने देगी. ईशा स्कूल में कैसी थी, पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी, कंप्लेंट आती थी इनकी? कंप्लेंट आती थी, पढ़ाई भी करती थी, लेकिन खेल कूद में ज्यादा इंटरेस्ट था इसको. अच्छा जी. हमेशा स्कूल के अंदर से बाहर रहना पसंद. अच्छा जी. तो अलग अलग चीजों में इंटरेस्ट ज्यादा था, स्पोर्ट्स में, डांस में, बिकॉज आई एम ए डांसर, तो मेरे घर में डांस प्रैक्टिस होता रहता है. तो शी यूज्ड टू वॉच एवरीथिंग. धर्म जी को इतना पसंद नहीं था कि अच्छा फिल्मों में नहीं आना चाहिए, डांस नहीं सिखाना चाहिए, ऐसा उनका एक अच्छा ख्याल था. वो रोज बोलते थे जब उन्होंने देखा कि मेरा जो नृत्य जो है, मैं जो करती हूँ वो क्या है, जिससे कितना अप्रिसिएशन कितना मिल रहा है लोगों का जी. तो देन ही एक्सेप्टेड इट एंड देन ही लव्ड ईशा एंड आहना, बोथ ऑफ देम डांसिंग. बहुत अच्छी बात है. लेकिन धर्म जी ने ऑब्जेक्ट किया या नहीं किया कि ईशा एक्ट्रेस बनना चाहती है? बिग ऑब्जेक्शन, बिग ऑब्जेक्शन. फिर हेमा जी आपने कैसे मनाया धर्म जी को? दैट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बहुत कुछ चीज छुपाना पड़ा. अच्छा. लेकिन फाइनली ही हैज टू एक्सेप्ट इट. नहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि पर्दे पर आए तब देखा, अरे नहीं नहीं देखा ही नहीं. उन्होंने तुम्हारी फिल्म ही नहीं देखी कभी? आई डोंट थिंक सो. आस्क हिम नेक्स्ट टाइम. चुप के देखा होगा, सामने तो नहीं बताया अभी तक. अच्छा आप सबको पता है हेमा जी ने अपनी दोनों बेटियों के नाम बड़े खूबसूरत रखे हैं, ईशा और आहाना. ईशा ने भी अपनी दोनों बेटियों के नाम बड़े प्यारे रखे हैं, राध्या और मिराया. अच्छा बच्चे 2 हो ना तो इंसान सोच समझ के टाइम लेके नाम रखता है. जैसे पहले के जमाने में हमारी नानी दादी को तो 7-8 बच्चे होते थे, इतना टाइम ही नहीं मिलता था कि नाम सोच के रखे, तब तक दूसरा हो जाता था. हाँ पहले ऐसे ही होता था. और जेन्युइनली मेरी बात से आप लोग एग्री करेंगे, आज से 35-40 साल पहले ये सब होता था गांव में, जो पहले आया उसका नाम पहला रख दिया, जो दूजा आया वो दूजा, तीजा, कई राइमिंग में रखते थे. जैसे एक का राजपाल रख दिया, दूसरे का रामपाल, फिर सतपाल, फिर सूरजपाल, फिर धर्मपाल, फिर गोपाल, फिर रामपाल. फिर माँ इतना परेशान हो जाती थी, बाप को दे तू ही पाल. तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती थी पहले. और ये भी होता था लोगों को, यार 5-6 बच्चे पैदा कर लो, हो सकता है एक आध तो अच्छा निकलेगा. ईशा आपकी बुक में बच्चों के नाम के ऊपर भी कुछ ऐसे टिप्स हैं लोगों के लिए, मतलब कुछ हेल्प मिलेगी लोगों को? अम्मा मिया एक अच्छा नाम है ना, अम्मा भी रख सकते हैं नाम, मिया भी रख सकते हैं. हाँ ये भी है. अर्चना जी मुझे एक बुक गिफ्ट की थी, थैंक यू सो मच अर्चना जी. वो एक सब हिंदू नाम थे उसमें. हाँ. वो बच्चियों के मतलब बेटियों के स्पेशली. हाँ. तो मैंने इनसे पूछा अर्चना जी आपने लिखी है? इन्होंने फटाफट उसका कवर फाड़ दिया, अपनी फोटो लगा दी, कहती मैंने तो लिखी है. नहीं पर बड़ी हेल्प मिली उस बुक से, पता है नींद आ जाती थी पढ़ते. अच्छा ईशा ने अपनी बुक में बच्चों की जो रेसिपीज हैं उनके खाने के लिए, उसमें भी काफी सारी चीजें लिखी हैं.
तो हेमा जी वैसे पर्सनली आप दोनों में से आप अच्छी कुक है या ईशा अच्छी कुक है? शी आई कैन कुक. वाओ दैट्स सरप्राइजिंग. ये मुझे नहीं करना पड़ा. अच्छा जी. क्योंकि धर्म जी को खुश करने के लिए मैं कुछ खाना वाना बना रही हूँ ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि हम दोनों बिजी थे काम में. अच्छा जी. बच्चे लोग पैदा हुए उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि कुकिंग सीखना कितनी जरूरी है. जरूरी है. स्कूल जाती थी तो उनका जितने भी फ्रेंड्स है तो टिफिन बॉक्स में ये मेरे मम्मी ने बनाया आज ये मेरे मम्मी ने बनाया तो वो पूछ रहे हैं कि इनको कि तुम्हारी मम्मी ने क्या बनाया फिर तुम्हारा कुछ नहीं कुछ तो भी इसको काम और तो ये घर में आके दे वर गेटिंग वेरी अपसेट कि आप कुछ भी नहीं बना रहे तो मुझे बहुत खराब लगा तो मैंने बोला कि मुझे जरूर सीखना जरूरी है तो आई टोल्ड माई मदर कि यू सी आपने मुझे नहीं सिखाया ये प्रॉब्लम हो गया. अब बच्चे लोग बोल रहे हैं कि खाना बना मैं क्या बनाऊँ. व्हेन वी गो अब्रॉड फॉर हॉलीडे तो वहाँ पे मेरा कुकिंग पूरा फुल फ्लेज्ड में शुरू कर दिया. अच्छा जी. हाँ जी पूरा. लेकिन रेसिपी सब कैसा करना क्या आई यूज टू कॉल अप फ्रॉम लंडन टू माई मदर इन बॉम्बे. अच्छा जी. तो आज ये कर दिया ये मैंने ये सब्जी सब इसमें कढ़ाई में डाल दिया अभी आगे क्या करना है. वैसा मैंने पूरा खाना सीख लिया. और ये सब लंदन में होता था तो बाहर गांव जाके इंडियन खाना खाने का मजा ही अलग. सो दैट टाइम शी वुड मेक रसम एंड वी यूज्ड टू नॉट वांट टू ईट एट रेस्टोरेंट्स एंड ऑल तो खाली लंदन में घूमते थे और वापस अपार्टमेंट में आके मम्मी का रसम खाना है. लेकिन वो इतनी महंगी डिश होगी ना क्योंकि इंटरनेशनल कॉल करके £500 आपने फोन पर इस्तेमाल कर दिए. एक रेसिपी है ड्रीम गर्ल पोंगल. तो ये मम्मी की बनाई हुई रेसिपी है ऐसे मम्मी के नाम पे रखी आपने? बुक में काफी साउथ इंडियन रेसिपीज भी हैं क्योंकि मैं अपने बच्चों को आई प्रेफर गिविंग देम साउथ इंडियन फूड और मेरी बेटी राध्या रसम पी जाती है. अच्छा तो ये जो स्वीट पोंगल है मम्मी पोंगल बनाते हैं इसीलिए मेरे बुक में सभी रेसिपीज को अलग नाम दिए गए हैं तो इसे हमने डेडिकेटेड टू मम्मा. हेमा जी शादी के बाद आपने कभी पंजाबी डिश नहीं ट्राई की? परांठे जो बड़े-बड़े होते हैं थाली में ऐसे ही आते हैं वो नहीं कभी? बिकॉज धर्म जी जिस कल्चर से आए पंजाब से मतलब परांठे तो मतलब हमारे साथ ही जाते हैं मतलब. लेकिन जब हमारे यहाँ आते हैं तो ही लव्स टू हैव इडली सांबर. अच्छा जी. ऑल दिस डोसा ऑल दिस थिंग वो तो आपके प्यार में खा जाते हैं हेमा जी अदरवाइज पंजाबी आदमी को. ओहो मेहमा जी एक अर्चना जी का सवाल था आप पूछ लो ना खुद ही वो छोटी वाला जो आप पूछ रही थी बोलती. हाँ आई वॉज वेरी कीन टू नो कि जब बचपन में माएँ होती है ना वो अपने बच्चों की स्पेशली गर्ल चाइल्ड जैसे चोटी बनाती हैं बाल संवारती हैं तो आप करती थी इसके स्कूल जाने से पहले या कोई हेयर ड्रेसर या कोई और आकर करती थी? नहीं नहीं मैं करती थी. आई यूज टू व्हेन हर हेयर इज वेट देन आई यूज टू मेक लवली रिंगलेट्स सो इट यूज टू लुक वेरी प्रिटी. अच्छा. पर ये बड़ा मुश्किल होता है. मैं अर्चना जी की भी अगर बात करूँ तो मतलब हमने सुना है मैम बड़ी मशक्कत करनी पड़ी बच्चों को पालने में क्योंकि सेम टाइम पे फिल्में भी करती थी और जब बच्चों को स्कूल जाना होता था एट सेम टाइम पे इनका अपने हस्बैंड से पैर दबवाने का टाइम होता था. I really wish. और कभी कभी तो क्या परमीत सर इनके हाथ दबाते थे ना तो पैर फ्री होते थे तो पैर से टाटा कर देती. बाय बेटा. ख्याल कहाँ से आते हैं यार? आप बस किससे सुन रहे हैं हम लोग मार्केट में? हाय, हेलो मैम. यस. हाउ आर यू? यस फाइन. सॉरी माय आईफोन लूम एक मेरा फोन आया है. सॉरी. हाँ मुकेश बोल. क्या आवाज नहीं आ रही है? केले पे कभी आवाज आती है क्या? हाय मैम. वेरी नाइस आई टीवी आई सी यू. या हेमा हेमा जी आई ले. कितना अच्छा लग रहे हैं ना कप्पू. एक ड्रीम गर्ल दूसरी ड्रीम गर्ल से बात कर रही है. तू कहाँ से ड्रीम गर्ल है? मेरा नाम क्या है? सपना. सपना मतलब ड्रीम और मैं गर्ल ड्रीम गर्ल ड्रीम गर्ल. मैंने आपकी पिक्चर का प्रोमो देखा मेरे को बहुत अच्छा लगा. इनकी पिक्चर नहीं आ रही है.
इनकी बुक आ रही है. हाँ, मैंने आपकी बुक का प्रोमो देखा, मेरे को बहुत. बुक का प्रोमो कहाँ होता है? बुक का ट्रेलर होता है कोई? तो मैंने ऐसा क्या देखा जो मेरे को अच्छा लगा? ओ हाँ, मैंने परसों अपना चेक देखा, सुनी टीवी से आया था, वो देख के मेरे को अच्छा लगा. आपको बुक का शौक है ना? बुक लिखा आपने, इसको भी बुक का शौक है. हाँ, चेक बुक का. इसके नहीं, इसको जाता है मैम, इसके जीरो देख के अच्छे अच्छे हीरो हिल जाते हैं, मालूम है. अच्छा, इनको भी शौक है मैम, बुक का नहीं, भूख का. बड़े बड़े लोग की कुर्सी खाई इन्होंने इधर बैठ के. खैर, ऐशा मैम के बार जोरदार ताली हो जाए. वेरी नाइस. मेरे को बहुत, मैं बहुत हीरोइनी लोग को देखी है. हाँ. धूम के कितने पार्ट आए, कई पार्ट आए, जो इन्होंने धूम मचाया वो बेस्ट. एक बार जोरदार ताली. वेरी नाइस. अच्छा, मैं भी बुक लिखी है. किस पे? हाँ. How nice. आपका बुक है अम्मा मिया ना? हाँ. मेरा मामा मिया. इनके लिए सब कुछ अम्मा है, मेरे लिए सब कुछ मामा है. नहीं, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहती है. हाँ. कि माँ में एक बार माँ रहता है ना. बिल्कुल. और मामा में दो बार रहते हैं. मैं उनके लिए बहुत मस्ती करती. कभी उन्होंने मेरे को दो माँ का प्यार दिया है, मेरे मामा ने. उनके लिए जोरदार ताली. दिखा, बुक तो दिखा. एक कप्पू मैं बच्चे लोग के लिए लिखे लिए. वेरी नाइस. कवर तो बड़ा अच्छा है. देखने अंदर. ये क्या है? मामा मिया. पहले पेज पे हुआ हुआ लिखा हुआ है. हाँ. दूसरे पे, तीसरे पे, सब पे हुआ 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 को लिखा हुआ तुम्हें. हाँ, तो बच्चे लोग हुआ हुआ ही करते, हुआ हुआ थोड़ी करते. ये कैसी फालतू बातें कर रही है तू? मैं बच्चों जैसी बातें कर रही है. क्योंकि मैम सुने लेना, हर इंसान के अंदर एक बच्चा रहता है. बिल्कुल. वो बिल्कुल आप में है. इसके अंदर तो एक मर्द है जी, बस क्या बताएं. ऐसा वैसा मर्द नहीं है वो. मैम बहुत लालची मर्द है, पैसे के लिए कुछ भी बन जाता है वो. नहीं सच्ची में, आप हम लोग ऐसा घर का पार्टी का ऑर्डर भी लेते. कभी ऐसा जोकर विकर भी बनना रहेगा तो प्लीज बताइएगा इनको. क्योंकि वो लड़का तो स्टार है, वो ऐसा कुछ भी नहीं बनता है. खैर, मैं एक चीज देखिए, बच्चे लोग से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है ना. हाँ. मैं भी बच्चे से सीखी है. क्या? कि गिरी हुई चीज उठा के खा लेने का. ढंग की चीजें सीखी जाती इधर से कोई नहीं. देख, मैं तो मैम ऐसी गिरी हुई चीज उठा के कहती है. अर्चना जी ना, जब भी कोई बच्चा देखती है ना, अपना बाल खोल के ऐसा ऐसा करती है. उनको थोड़ी डराने का शौक है. ऐसा करती है. हाँ, वो बच्चा डर जाता है, उसके हाथ से चीज गिरती है, फिर उठा के खाती है. और फिर बाद में ना वो बच्चा इनको देख कर वो भी ऐसा ऐसा करता है. चल, ऐसे कौन बच्चा करता है? इनका बच्चा करता है. खैर, आप मैम इतना लेजेंडरी, इतना सीनियर आर्टिस्ट. मैं सोचती हूँ कभी कभी ये जितने सुपरस्टार लोग रहेंगे वो बचपन में कैसे रहेंगे ना. कैसे? मतलब शत्रुघ्न सिन्हा जी. हाँ. दली को आग कहते, बुद्धि को राग कहते, काम होते. मेरे को तो लगता है उनका बचपन एकदम मस्त रहेंगे. नाना पाटेकर का कैसे? आ गए मिले बद्दे का तमाता देतने. ये भाई तोत लेते, दांत तोत लेते. बनाने वाले ने फलक नहीं किया, टूटा है तो तोता है रे. अच्छा लगता है, अच्छा लगता है. आई मैम, मैम मैं आप लोग आपने इतना अच्छा किताब लिखे ले, और आप इतना फिटनेस में भी इतना मस्त लग रहे हैं. हेमा जी कितना खूबसूरत लगते रे. बहुत बहुत वेरी नाइस. तो आपने इतना अच्छा किताब भी लिखे ले, तो थक भी गए रहेंगे. तो आई हैव मसाज पार्लर मैम इधर. मेरा ब्यूटी पार्लर है. अच्छा. तो हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज रहते हैं. हमारे पास डायपर मसाज है. डायपर मसाज? इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहता है मैम, बच्चा जो सुसु करते है. हाँ, उससे फिर माँ डायपर बदलती. हाँ. फिर बच्चा सुसु करता है. हाँ. माँ डायपर बदलती. हाँ. फिर बच्चा सुसु करता है, माँ डायपर बदलती. डायपर खत्म हो जाते, फिर माँ डायपर लेने के लिए मार्केट में जाती है. तो मसाज कहाँ हुई? इधर माँ डायपर बदल बदल के परेशान हो रही है. तेरे को मसाज की पड़ी है. फिर हमारे पास एक और मसाज है मैम, बच्चा मसाज. इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहता है,
इसमें बच्चा सुसु करते हैं, फिर माँ डायपर बदलती, फिर बच्चा सुसु करते हैं, माँ डायपर बदलती, तो वो डायपर से ही मसाज कर देना चाहिए ना। अपना काम खत्म। हाँ डायपर ही बदली जा रही, डायपर मसाज कब करेगी? माँ इतनी परेशान है एक छोटे से बच्चे के लिए, तेरे को मसाज की पड़ी है। मैं चलती है मैम, आप मेरे को ना सॉरी 11:15 घर पे पिटना भी है। हाँ तो मैं चलती हूँ। ओके मैम बाय, ऑल द बेस्ट। वाओ ऐशा, जब मैंने अपने दर्शकों को आपकी बुक के बारे में बताया तो सब बड़े एक्साइटेड भी हैं, और बहुत सारी जो माएँ हैं अपने बच्चों के साथ आई हैं यहाँ पे, तो उनके मन में बच्चों की पेरेंटिंग को लेके और खाने पीने को लेके बहुत सारे सवाल हैं, तो ये सब जानना चाहते हैं। तो आपके जो भी सवाल हैं आप ऐशा से पूछ सकती हैं, आप हाथ खड़ा कर सकते हैं अपना। जी भाई साहब, लो पहले ही बाप का हाथ खड़ा हुआ देखो। कपिल जी, मेरा सवाल ये है ऐशा मैम से कि मेरी शादी को 16 साल हो चुके हैं और मेरा 14 साल का बच्चा है। अच्छा जी। इशू ये है कि मैंने मेरे बेडरूम में उसको एक्स्ट्रा बेड दिया है। अच्छा जी। तो कहता है कि डैडी मैं सोऊंगा आप दोनों के बीच में। ये वाला एक्सपीरियंस तो ऐशा को भी नहीं है, 14 साल का बच्चा है। एक ही बच्चा है आपका? हाँ, इसीलिए। हाँ, दूसरे की तो पॉसिबिलिटी मतलब आई मीन। अब ये ऐशा कैसे बताएंगी, आपका 14 साल का बच्चा है, उनका एक्सपीरियंस तो अभी फिर नहीं, 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 आप आई थिंक आप मेरे से और बेटर सिचुएशन में हो अभी। right. क्योंकि मेरे 2 लड़कियां हैं और शुरू में एकदम फैंसी, यू नो, बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहिए शुरू से ही कि वो अपने ही कमरे में, अपने ही बिस्तर में या कॉट में सोए, तो हमने भी किया ये सब। फिर एक नानी थी, भाग गई, तो 3-4 महीने मुझे खुद ही करना पड़ा राध्या के साथ सब, और अटैचमेंट ऐसे हो गया कि राध्या हमें छोड़ के दूसरे कमरे में नहीं जाना चाहती थी। तो आज की बात करें तो राध्या भरत और मेरे बीच में ही सोती है, और अभी मिराया बहुत जल्द आ जाएगी वही रूम में, तो बेड के नीचे ड्रॉर है, उसे खोल के हम मैट्रेस लगा के मिराया को उसमें सुलाएंगे। ऐसा बहुत घरों में होता है। तो सभी घर में यही सिचुएशन है। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी आपको, अभी ये 14 साल का है ना, बिफोर यू नो इट आप ये फेज को जितना एंजॉय कर सकते करो, क्योंकि जैसे और बड़े होगा आप इसे मिस करोगे, गर्लफ्रेंड भी मिल जाएगा फिर आप। फिर ये उसमें बिजी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो एवरीवन। हेलो, आई एम करण। हाय करण, मुंबई। बहुत बहुत स्वागत है सर। मेरा थोड़ा सा ये सवाल है आपसे और थोड़ा सा क्यूरी भी है कि मेरी जो बेटी है 5 साल की है, उसका नाम आरवी है। अच्छा जी। तो उसका स्कूल टाइम 12 बजे का है, बट वो 11 बजे से ही स्टार्ट कर देती है कि मम्मा मुझे स्नीजिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, हेडेक हो रहा है पता नहीं, और 12 बजे के बाद वो मिल्खा सिंह बन जाती है जब स्कूल का टाइम क्रॉस एंड ग्राउंड में। तो उसका मुझे थोड़ा सा जानना है कैसे कंट्रोल करूं मैं उसको। उन्हें स्कूल नहीं जाना, नहीं जाना है, इसीलिए ये सब बहाने। वो तो करना ही है बच्चों को ना। अभी नहीं करेंगे तो कभी करेंगे, वो आपको झेलना है। पर कई बच्चे मैंने देखे उनको बड़ा शौक होता है, जैसे एक मेरी नीज है वो, उसको बड़ा शौक रहता है, तो मैं कहा मेरे को जाके देखना है इसके स्कूल में होता क्या जो इतना। मुझे तो बड़ी टेंशन होती थी स्कूल जाने में, ऊपर से मैथ वाले टीचर को सोच सोच के ना मेरा ना दिमाग खराब हो गया बचपन में ही। तो एक्चुअली ना कभी कभी, हाँ ये जोक सपाट, पर अगर बच्चे का मन नहीं करता ना तो आप कभी बच्चे के साथ स्कूल जाके भी देखें, उनके टीचर के साथ डिस्कस करें कि हो सकता है उसको कोई चीज पसंद ना आ रही हो स्कूल में। पंजाबी आदमी ना बीच में घुस जाते हैं। मैंने आपको बताऊं कि ये जो है इसकी जो बच्चे की जो आदत जो है, हाँ वो खानदानी है आदत उनके बच्चे की। जी। अच्छा आपके अच्छा। पापा है। मैं इसके पापा हूँ, बचपन में ये भी ऐसे करता था। अच्छा जी। बहाने बाजी तो फिर तो आप पे गई है बच्चा, बच्चा आप पे गया। हमारी खानदानी जो है वो तो ये भी स्कूल जाता था, जब भी बोला होता था कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना, इसकी माँ भी इसको मार मार के भगा देती, चल भाई चल चल चल। सर जी आप जाते थे बचपन में स्कूल टाइम पे? हम भी ऐसे करते थे। ये हमारी ये खानदानी परंपरा है, गलती उसकी नहीं है। हाँ जी। गलती शुरू से आते आ रही है। डर भी लगता है ना कहीं पढ़ लिख के डॉक्टर ना बन जाए। लेकिन मैं कहूंगी पहले और आज के स्कूल के सिस्टम में बहुत फर्क है, बच्चों के लिए इतना इंटरेस्टिंग थिंग बना के रखा है,
तो चिल्ड्रन लव टू गो टू द स्कूल। कल तो एक फटिया किताब लेते थे बस इतने में काम चलता था। आप पर आप भी कौन सा साइंटिस्ट बन गए? इसलिए तो खानदानी परंपरा चली आ रही है। बस सर आप बातें बड़ी मजेदार करते हैं, शुक्रिया शो में आने के लिए, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? जी मैम। मेरा एक सवाल है ईशा जी से, जैसे मेरे जो बेटा है वो कोई भी उसको बात बोलती हूँ ना तो वो उसको या तो उसको डांस के माध्यम से बोलो या तो उसको उल्टा करके बोलो, मतलब जैसे कि यार जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ तो स्कूल जाना है, तो वो क्या करता है एकदम स्लो स्लो धीरे धीरे करेगा। जैसे मैं बोलूँगी ना कि यार तुम धीरे धीरे चलो अभी बहुत टाइम है, तो वो तब फास्ट फास्ट काम करे। तो मैंने इसके लिए इसको क्या करना चाहिए? उल्टा पैदा हुआ था ये? नहीं होता है बच्चे उल्टे पैदा होते कहीं? नहीं मैंने अपना लॉजिक अपने नॉलेज के हिसाब से पूछा, तब जैसे मेरा भाई बड़ा उल्टा पैदा हुआ, सारे काम उल्टे उसके। तेरे बड़े सीधे है ना? इसका सेम चीज है कि उल्टा बोलो या तो इसको डांस के माध्यम से, डांस के माध्यम से कैसे बोलो? यही दिखा देगा, अरब खाना खा लो। ओह सो क्यूट। तो ये पता करो इसके बाप ने ना सिखाया हो इसको कि माँ जो भी बोले तूने उल्टा करना है। डांस तो जी हम लोगों के एकदम ये में है क्योंकि अच्छा, भाई साहब भी आए, नमस्कार जी। अच्छा आप डांस करते हैं सर? बीवी के इशारों पे कि फिल्मी गानों पे? बीवी के इशारों पे। अच्छा जी, वेरी गुड। योर हस्बैंड और बेटा दोनों आदमी आपके ताल पे नाच रहे हैं ऑल लाइफ, तो आपको और क्या चाहिए? वो रैप करता रहता है। अच्छा तो करके दिखाओ बेटा कैसे करते हो आप। गाना सुना दो बेटा। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छी बात। और हमेशा मेरी एक रिक्वेस्ट रहती है कि जब आपका बच्चे में अभी अगर आप कोई ऐसी चीज नोटिस करें कि अगर वो बड़ा अच्छा गाता है या डांस करता है तो उसको डांट डपट के उसको किताब ना दे दें, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा बहुत हुआ है। तो जो चीज में बच्चा अच्छा है उसको इनकरेज करें, जरूरी नहीं है सिर्फ किताबी पढ़ाई, ये सब भी पढ़ाई है जो हम लोग सीखते हैं एक दूसरे से। तो ये बहुत बहुत बधाई आपको, टैलेंटेड है आपका बच्चा, धन्यवाद। थैंक यू। ओके और कोई हमारे दोस्त? जी मैम। आए सिद्धू जी होते आज कहते हैं ऑरेंजी पू। हाय कपिल। हेलो। हाय मैम। राधे राधे। वृंदावन में सब लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, ये मैसेज उन सबका मेरी तरफ से। क्या नाम क्या है मैम आपका? अंशी शर्मा। शर्मा शर्मा। अब क्या फायदा, पहले मिलती। हाँ तो अंशी शर्मा। अंशी आप वृंदावन से आई हैं? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा जी। और मैं बच्चों को एक्टिंग सिखाती हूँ, मेरा खुद का एक्टिंग स्कूल है। अच्छा जी। तो बच्चों को क्यों सिखाती हैं आप? बच्चे को मैं इसलिए सिखाती हूँ क्योंकि बच्चे दिल से, हम लोग एकदम रिलेशन एक दूसरे से मिलते हैं ना तो कोई मतलब के लिए मिलते हैं। और दूसरी बात बच्चे किसी को बताएंगे भी नहीं टीचर सही सिखा रही कि नहीं। अरे नहीं, मतलब हाँ, बिल्कुल सही। तो मैम मेरा क्वेश्चन आपसे है कि छोटे बच्चे 4 साल से लेकर मेरे पास सारी जगह हिमाचल से आ जाते हैं कोई कहीं से कि मैम हमारे बच्चे को एक्टर बनना है, मैं बोलती हूँ हाँ एक्टर बनना है, उसके लिए थोड़ा एक्टिंग वगैरह सिखाते हैं बच्चों को, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि 2-2 साल के बच्चे लेकर गोद में आ जाते हैं। मैंने पूछा इसने बोलना कब शुरू किया? हाँ। बोलते मैम अभी थोड़े टाइम पहले बोलना शुरू किया, अभी 6 महीने पहले। मैं इसको एक्टिंग क्या सिखाऊंगी अभी? तो मैम मेरा क्वेश्चन आपसे है कि पेरेंट्स आते हैं और सब पेरेंट्स ये सोचते हैं मेरा बच्चा ना स्टार है एकदम। हाँ। मेरा बच्चा ये करेगा वो करेगा। आधे पेरेंट्स उनमें से ये होते कि मेरा सपना था कि मैं एक्टर बनूं और मैं तो नहीं बन पाया, आप मेरे बच्चे को बना दो जैसे ये बच्चा है। तो मतलब अपना सपना हम अपने बच्चों पे थोप रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। मुझे तो गलत लगता है ये। हाँ ये गलत ही है ना। तो एज अ टीचर मैं उनको ऐसा क्या समझाऊं कि पेरेंट्स सभी बच्चे एक्टिंग के लिए नहीं बने हैं और सभी बच्चे पढ़ाई के लिए भी नहीं बने हैं? आई थिंक आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, जब बच्चे बड़े होंगे ना तो खुद पेरेंट्स को समझा देंगे कि मुझे ये नहीं करना है या मुझे ये करना है। आजकल के बच्चे बहुत ही स्मार्ट है। बच्चे को एकदम बच्चा ही रहना चाहिए, उसको शुरू से मैच्योर नहीं करना चाहिए। राइट। हाँ उसका जो मन होगा बड़ा होके अपने आप कर लेगा, उसको पता ही है उसने भी रोटी कमानी है। आपको कब लगा आप एक्टिंग सिखा सकती हैं? मेरे को बचपन से ही लगा कि मैं एक्टिंग। आपने नहीं ट्राई किया फिल्मों में कोई? मैंने कभी एक्टिंग के लिए नहीं ट्राई किया, बस सिखाती रही। तो अभी सब बोलते हैं कि आपका फेस तो ठीक ठाक ही है, तो थोड़ा आप भी बड़ी प्यारी हैं आप। अभी यहाँ पे हैं तो कोई अभी ऑफर आ ही जाएगा, आपने बोल दिया तो। वैसे मथुरा वृंदावन में यस मैम बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जी मैम, जो एक्टर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, एंड वेरी टैलेंटेड पीपल आर देयर। और मेरे पास आते हैं कि मुझे आप एक्टर बनाइए, मैं बहुत जल्द एक एकेडमी खोलकर वहाँ पे उनका पूरा अच्छा ट्रेनिंग देकर देन या हम सबको बॉलीवुड में लेकर आएंगे। मैम प्लीज, बहुत अच्छा मैम, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़ी प्यारी हैं आप। थैंक यू सर।
हेमा जी, एक तो ये बातें होती हैं जो हम आपसे करते हैं, बाकी ना कुछ फैंस के मन में ऐसे सवाल होते हैं जो मुझे वो दे देते हैं, बिकॉज आप सुपरस्टार्स हैं तो उनको ऐसा लगता है कि क्या वो भी आम लोगों जैसे काम करते हैं कि नहीं करते. तो जैसे कभी कभी होता है ना कि लेडीज को कभी गुस्सा आता है, तो कभी कभी ऐसे पल्लू को कमर में घुसा के लड़ने नहीं जाती कभी किसी से? आपके साथ कभी ऐसा कोई वाकया हुआ है? मतलब घर के अंदर? हाँ, मतलब किसी से भी लड़ाई हुई हो आपको, उस तरह गुस्सा आ गया हो कि आपने कहा रुक तेरी, तो ऐसा? उस हद तक नहीं. मम्मी को ऐसे मैंने खाली डांस रिहर्सल कर के टाइम में करते हुए देखा. अच्छा. एंड देन टक. ओके, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है. पर ईशा, तुमको गुस्सा आता है? बहुत आता है. बहुत आता है? पापा पे गई है? बिल्कुल बिल्कुल, जस्ट लाइक फादर. लोगों को लगता है ना कि धर्म गरम गरम धर्म, लेकिन धर्म पाजी का सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब मुझे याद है हेमा जी, जब मैंने ये शो शुरू करना था तो हम लोग बहुत सारे ऐसे स्टार्स को अप्रोच कर रहे थे, चैनल अप्रोच कर रहा था, तो सब स्टार्स कोई क्यों आए, क्या है शो ये नया? तो मेरी धर्म पाजी से थोड़ी सी जान पहचान थी. मैं, हम लोग कैनेडा गए थे एक बार साथ में, तो मैं गया, चला गया उनके साथ. मैंने कहा धर्म पाजी ऐसे हम शो शुरू कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे पूछा भी नहीं क्या है, जो बोलते बेटे मैं आ रहा हूँ. तो ये उनकी दरिया दिली है, तो उन्होंने उस समय बहुत सपोर्ट किया मुझे. सो आई लव यू धर्म पाजी. ओके, तो कभी मेहमान घर में बैठे रहते हैं ना हेमा जी, तो हम कभी कभी बच्चों से कोई सीक्रेट बात करनी होती है, आपने तमिल में बोल दिया और मेहमानों को पता भी ना चला हो, ऐसा होता है? मेहमान को देख के बोलना पड़ता है सीक्रेट बोले या कौन सा लैंग्वेज में बोलना चाहिए. मेहमान नहीं, ज्यादा पापा जब ही रहते हैं हम तमिल में बात करते हैं तो वो बहुत भड़क जाते हैं कि क्या तुम तीनों चालू हो गए वापस, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. गुस्सा पे. तो धर्म पाजी कभी आपसे पंजाबी में बात की है? धर्म पाजी ने ओनली इन इंग्लिश. इंग्लिश और थोड़े बहुत तमिल बात कर लेते हैं धर्म पाजी. धर्म पंजाबी आदमी तमिल सीख गए, वाह. वो तमिल जो सीखा है उन्होंने, वो चिन्नप्प देवर करके थे, माँ फिल्म करते थे. अच्छा जी. वहाँ वो काफी गालियाँ देते थे, तो वहाँ से बहुत कुछ सीखा इन्होंने. वो हर बात पे कहते थे सिर पर लाड़ी बहन, मैं इनसे जूता से मारूंगा. वो बराबर सीख लिया. सीख लिया. कभी कभी हम लोग शरारते करते रहते हैं ना अपने शो में, तो मैं सोचता हूँ यार जो गुजरात वाले होते हैं उनकी लैंग्वेज बड़ी मीठी है, लगता है कि इस लैंग्वेज में कभी झगड़े नहीं हो सकता. तो मैं सोचता हूँ अगर धर्म पाजी कभी गुजराती फिल्में करते तो कैसा मजा आता ना, कि थारी मानो ढोक लो. कभी ऐसा हुआ हो हेमा जी कि खुद के मेकअप में टाइम लग रहा है और आपने पति को ये बोल दिया कि आपके कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, जाके चेंज करके आओ ताकि आपको और टाइम मिल जाए, कभी ऐसा किया है? नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ. मेरे यहाँ पे तो रिवर्स है, आई एम ऑलवेज रेडी फर्स्ट. भरत का चालू रहता है फैशन शो, मैं ये शर्ट पहनूं, दूसरा शर्ट पहनूं, तीसरा चलता रहता. मम्मी ने भी कितने बार देखा है कि एक घंटा लगता है उन्हें तैयार होने. ये तो अनयूजुअल है, यूजुअली नो, ही लव्स ड्रेसिंग अप. या आई एम सेइंग इट ऑन टेलीविजन भरत. मैम, कुछ अफवाहें फैलती है ना जैसे सुपरस्टार्स के बारे में, तो जैसे अफवाहें हमारे पास आई तो हम कन्फर्म कर लेते हैं सामने से, हम विश्वास नहीं करते. तो आपके बारे में एक अफवाह है हेमा जी कि जब भी आप कभी धनिया लेने जाती हैं तो पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपको देख के ताजा हो जाता है. अभी क्या कर रही है, अफवाहें मार्केट में उड़ती रहती है. सबसे शुद्ध पानी. जैसे ईशा, आपके बारे में अफवाह है कि अम्मा मियां के बाद आप चंकी पांडे जी की लाइफ पे एक बुक लिख रही हैं जिसका नाम है मम्मा मियां. उनके बारे में मैं क्यों लिखूं? अफवाह होगी फिर, ऐसी अभी उड़ती हैं अफवाहें, क्या करें अभी. हेमा जी, आपके बारे में एक और अफवाह ये है कि सीता और गीता फिल्म जो थी उसमें आपका पहले ट्रिपल रोल था, सीता, गीता और रीटा. अरे तो लेकिन जब आपने प्रोड्यूसर से हर रोल के लिए अलग अलग पेमेंट मांगी तो उसने एक रोल कम कर दिया. मुझे तो मालूम है सीता गीता, जो रीटा जो है आई डोंट नो. ओके, तो ये अफवाह है. ईशा, एक अफवाह ये है कि जब आप बिजी होती है तो आपकी एक फ्रेंड आपकी आवाज निकाल के फोन पे बात करके भरत को फोन कर देती है. अभी नहीं, लेकिन जब मैं स्कूल में थी तभी भी भरत एक टाइम पे मेरे बॉयफ्रेंड थे. और मेरी एक फ्रेंड है. अच्छा. जो बिल्कुल मेरे जैसे साउंड करती है, तो मैं कभी कभी बोर हो जाती थी तो वो कंटिन्यू करती थी बातें करना. तुम भरत से बात करते करते बोर हो जाती थी? मुझे आज भी पेशेंस नहीं है फोन पे बात करना. आई कांट टॉक फॉर मोर देन 2 मिनट्स. एंड मामा और मैं इस मामले में एकदम सेम है, लाइक जल्दी जल्दी बात करके हैंग अप करो. और इनफैक्ट मॉम का एक स्टोरी है जहाँ पे मम्मी बात कर रहे थे पापा से और कैन आई से इट, और
बात कर रहे थे और अचानक पापा को फोन में मम्मी के खराटे सुनाई दिए. नहीं नहीं मैं देखिए क्या हुआ था. आई वॉज वर्किंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम यू नो, पूरा रात भर शूटिंग थी. सो आई थिंक आई वॉज टू टायर्ड. सो प्यार भरी बातें भी एक सर्टन लिमिट तक अच्छा लगता है ना. उसके बाद गया तो यू फील वेरी बोरिंग. धर्म जी सुनेंगे उनको खराब लगेगा. ऐसा अफवाह ये है आपके बारे में कि स्कूल में कोई आप जब शरारत करती थी तो प्रिंसिपल आपको नहीं डांटती थी क्योंकि आपने उनको ये बोल के पटा के रखा था कि मैं आपको अपने पापा का नंबर दूंगी. उल्टा ये होता था जब स्कूल में मैं शरारत तो करती थी लेकिन कभी कभी जबरदस्ती वो मुझे रिमार्क्स देते थे दैट अपने पेरेंट्स को बुलाओ स्कूल में. तुम्हारे बारे में कंप्लेन करना है. तो बाकी सब माएँ बोलती थी कि ऐसे ही बोल रहे हैं ना कि मम्मी पापा स्कूल में आए. तो उल्टा होता था. पर आते थे धर्म जी गए स्कूल कभी? एक बार आए थे पापा और मम्मी साथ में. अच्छा. और मैं सीनियर केजी में थी और तभी मेरे बारे में कंप्लेन कर रहे थे टीचर. तो आए मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या किया मैंने. सो स्वीट. हेमा जी आपको याद है क्या किया था इसने जो आपको बुला लिया था? It's very strange. I think that teacher was very keen to meet me and Dharamji. That was the main reason to keep on complaining about her. इसने ये किया वो किया ऐसा. I say इतनी छोटी सी बच्ची क्या करेगी क्या भाई कमाल है तो. अच्छा एक लास्ट अफवाह ये है हेमा जी कि ईशा जब पैदा होने वाली थी तो धर्मजी ने पूरा हॉस्पिटल बुक कर दिया था. सही है. अच्छा. हाँ जी. वाओ. ईशा के लिए भी और आहना के लिए भी सेम थिंग. अच्छा पूरा हॉस्पिटल ऐसे क्यों उन्होंने क्या सोच के बुक किया? We wanted more privacy, so regular hospital में नहीं जाना था. So it was a very and then वो doctor का खुद का एक nursing home था. So we took that whole thing. तो इसी के साथ हमारी अफवाहें समाप्त होती हैं. धन्यवाद. हमारी हमारे पास कुछ pictures हैं, कुछ ईशा के बचपन की हैं. मैं अब दिखाता हूँ आपको, फिर आप बताना है कहाँ की. दिखाइए please. ये कब की पिक्चर है हेमा जी? आई थिंक ईशा इज 5 एंड आहना मस्ट बी 2. इट वाज वेडिंग एनिवर्सरी. अच्छा धर्मपा जी का हाथ देख के ऐसा लगता है ना कि ईशा और आहना को बचपन में एक ही हाथ से उठा लेते होंगे ना. इसको उठाए हुए एक पिक्चर. आई डोंट नो वेदर इट्स देयर और नॉट. वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर. और आगे दिखाइए. दैट्स यू एंड मी. वाओ सो क्यूट. ये चेन्नई के घर में. अच्छा तो मैं एक्सरसाइज करूं तो ऐसे ही करती थी इसके साथ. और नेक्स्ट ये राध्या है. अच्छा ये अभी की है. ओके नेक्स्ट ये ईशा मैं... है ना. ईशा ईशा एंड पापा. और नेक्स्ट. वाह धर्मपा जी घोड़े बने हुए देखो. मैं उन पे कहीं पर भी चढ़ जाती थी. ऑलवेज ऑन टॉप. और ये आना है एक हाथ से. सो क्यूट. हाँ एक हाथ में है ना. एक हाथ में. सो क्यूट. और हो हैं ये क्या हो रहा है? रमेश सिप्पिया और हेमा मालिनी. पंखे पे भी जुड़े हुए हैं. सीता गीता है ना तो पंखे पर तो होना ही है. नेक्स्ट. अच्छा ये तो अपनी देखी हुई है. शुक्रिया. थैंक यू. हेमा जी अभी जब सब हम लोग टीम बैठे हुए थे आपस में तो एक किस्सा पता चला कि आपने हमारे जो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनके सामने आपने परफॉर्म किया था बचपन में. क्यों इसमें ताज्जुब की क्या बात है? ताज्जुब की बात मैम इसलिए कि मतलब इतनी छोटी उम्र में देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के सामने आप घबराई नहीं उस समय? नहीं उस वक्त मैं दिल्ली में हम लोग रहते थे. अच्छा जी. पढ़ाई वढ़ाई सब वहीं पे किया था बचपन का. तो वहीं पे डांस सीखना शुरू कर दिया. तो इट वॉज एन ओकेशन मुझे मिला. अच्छा जी. कि इधर राष्ट्रपति भवन में प्रोग्राम करने का. वाओ. अच्छा मैम जैसे हम सबको ये लगता था कि ड्रीम गर्ल जो आपको कहा जाता है वो शायद फिल्म ड्रीम गर्ल्स के और उस गाने के बाद आपको ड्रीम गर्ल कहा जाने लगा लेकिन हमें एक और स्टोरी पता चली कि आपके मुंबई आने से पहले ही आपका नाम जो है ड्रीम गर्ल फेमस हो गया था. नहीं बम्बई आने के पहले नहीं मतलब सपनों का सौदागर मेरी फर्स्ट फिल्म थी जिसका. अच्छा जो प्रोड्यूसर थे अनंत स्वामी. अच्छा जी. तो उनका एक ही वाज अ लॉयर सो ही हैड अ वेरी फैंटास्टिक आइडिया हाउ टू इंट्रोड्यूस अ न्यू कमर. जी. सो ही इंट्रोड्यूस्ड मी एज ड्रीम गर्ल कमिंग टू
टाउन ऐसा। तो मैं भी बोल रही थी कि पिक्चर रिलीज होने वाला, मेरा नाम तो नहीं दिया, ड्रीम गर्ल ये क्या कर रहे हैं। तो ही सेड दैट इज हाउ योर नेम इज गोइंग टू बी, इट विल बी ओनली ड्रीम गर्ल। बाद में हु इज द ड्रीम गर्ल, इट्स हेमा मालिनी। ऐसा उनका आइडिया था, उसके हिसाब से इट बिकेम सो पॉपुलर। कपिल जी, जी एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी। मुझे मालूम पड़ा है कि आप गाना बहुत ही अच्छी तरह से गा लेते हो। आप मम्मी के लिए गाना गाइए। अरे मैम, आपकी एक फिल्म का गाना ना, हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते, वो मैं वो सुनाऊं आपको? Yes, yes, okay. ये मेरा बड़ा फेवरेट सॉन्ग है मैम। आई नो मेनी पीपल्स। गाना इतना ब्यूटीफुल है ना, इस किस्म का आजकल आजकल हाँ हमें नहीं कम आते हैं एक्चुअली। क्या बात है यार, देखिए यार, माय गॉड, इतना खुशी हो रहा है आज इतने सारे लोगों को एक साथ देख के। ओए, इतने सारे कहाँ हैं, हेमा जी और ऐशा जी तो हैं। लेकिन ऐशा जी यहाँ पे सिर्फ हेमा जी के साथ नहीं आए हैं। अच्छा, तो क्या फिर? वो आए हैं ड्रीम गर्ल के साथ। अच्छा। एक बहुत बड़ी नृत्यांगना के साथ, एक सांसद आई है, एक धर्म पत्नी आई है, और ऐशा जी की मम्मी भी तो आई है। बहुत सारे लोग आए। मैम होता है कभी कभी, जैसे आपको भी ये अकेला लगेगा, लेकिन इट्स ए ग्रुप ऑफ पीपल। ये पांच सात लोग आते हैं एक ही कुर्ता धोती में, फिर एक गर्दन बाहर निकल के सबको रिप्रेजेंट करती है। हेमा जी बहुत बड़े फैन है हम आपके। अच्छा? आपकी फिल्म वो सीता गीता, वो हमने संगीता और बबीता के साथ देखी। माय फ्रेंड्स, हमारे दोस्त हैं। लेकिन ओ हो, आपकी सारी की सारी एक से एक हर फिल्म हमने देखी, इंक्लूडिंग नहीं कटी पतंग नहीं देखी, बस वो रह गई। कटी पतंग में तो वो थी भी नहीं। हाँ, तो इसलिए हमने देखी भी नहीं। देखा आपकी पतंग हमने कैसे काट दी। बहुत बोल रहे थे ना। लेकिन ऐशा जी आपकी फिल्में भी देखे, वो काल देखी हमने जिसमें आप और सिद्धू जी थे। सिद्धू साहब कहाँ थे? नहीं, वो थे ना भूतकाल में। और अभी देखे वर्तमान काल में अर्चना जी है, भविष्य काल का पता नहीं क्योंकि काल किसने देखा। लेकिन ये एक मिनट हम अपनी भैंसिया साथ में लाते हैं, इसको इंट्रोड्यूस करना तो भूल ही गए। फुलझड़िया जरा हेलो बोल दो। ये हेलो था उसका, ये हमारी फुलझड़िया है, इसका एक पति है, दो बच्चे हैं, कुल मिला के छह का परिवार है इनका। दो और दो चार होते ना, दो और दो छह कैसे हो गए? अच्छा, हेमा जी ने जब कहा दो और दो पांच तब आपको चल गया। यहाँ पर हमारी भैंसिया दो और दो छह हो रही है, तो आपके बारह क्यों बज रहे हैं ब्रो, है कि नहीं? अजीब बात करते हैं यार। कपू शर्मा, हमेशा हमारी गलतियां ढूंढते हैं आप, बस। हाँ। ये नहीं कि कभी हमारी तारीफ भी कर दें थोड़ा यार, मेहमान आए। ये तो है मैम, ये हमारे शो का सबसे टैलेंटेड आदमी है, ये तो आप देखो, बिना गले के आवाज निकालना। मतलब गाएंगे अभी, देख लो यार, ये बात आप कब तक बोलते रहेंगे? जब तक गला आ नहीं जाता। कोई बात नहीं कपूर शर्मा, यार एक काम करोगे, हमारा एक भतीजा है। हाँ। उसकी लंबाई बढ़ नहीं रही है, उसकी हाइट जरा अटक सी गई, एक बार मिल लोगे उससे? मैं क्या करूंगा मिल नहीं, क्योंकि आप टांग बहुत कमाल की खींचते हैं, जरा खींच दीजिए ना, शायद लंबा हो जाए। बिल्कुल, है कि नहीं? लेकिन हमने सुना है कि आप किताब लिख रहे हैं, अम्मा मिया लिखी है आपने किताब, एक बार जोरदार तालियां हो जाए किताब। अम्मा मिया तेरा, अम्मा मिया। आई मायसेल्फ भी यही क्षेत्र में एंटर कर रहे हैं हम। हमने भी अभी लिखना शुरू किया है, हम मेंशन कर रहे हैं उसमें कि किस तरह हम अपने बच्चों को अकेला संभाल रहे हैं, पाल पोस के उन्हें बड़ा कर रहे हैं। चल झूठे कहेंगे, 11 बच्चे तो तेरी वाइफ ने पाल लिए, तितली भाभी ने। वो तो अपने आप को खुद को ही पाल लेना, वही बहुत बड़ी बात है। हेमा जी सच बता रहे हैं, हमारी कहां शादी हो गई, हमने भी सोचा कि शादी के बाद हमारी भी एक ड्रीम गर्ल होगी, और मिली हमें ड्रम गर्ल, एकदम ड्रम जैसी लगती है। रात को वो जो खर्राटे लेती है, माय गॉड, आपको सच बता रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं, जब वो ऐसे सांस छोड़ती है ना, हमारी रजा ऐसा डेढ़ फुट ऊपर चली जाती है। अनुलोम विलोम। और फिर जब अंदर अपनी सांस खींचती है, पूरी रजा ही उसकी नाक के अंदर, हमें खींच के ऐसे बाहर निकालनी पड़ती है। ओह गॉड।
I'm not kidding. और जैसे आप अपने किताब में वो लिख रहे हैं ना रेसिपी भी, वो ड्रीम गर्ल पोंगल, वैसे हमने भी अपनी किताब में एक रेसिपी लिखी है, खिचड़ी तितली, क्योंकि हमारी बीवी को कुछ नहीं आता, सब मिला जुला के खिचड़ी बना देती है, पता नहीं क्या बनाती है, गॉड अलोन नोज, पर पेट काट काट के अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, सब लिखा है हमने किताब में। अच्छा, ये पेट अभी काटा हुआ है, बाकी कहाँ है जो बांटा हुआ है? मतलब झूठ, आप झूठ बोलता है ये आदमी। बेबी, अरे बेटा चुप चुप जा। बेबी कहाँ है? इस पर पक्का बदल दूंगी, बदल दूंगी, बदल दूंगी बेटा। भाभी बोल रहा है बच्चा, तो बदल दो ना डायपर। डायपर नहीं, बाप बदलने का बोल रहा है। नमस्ते अम्मा जी। नमस्ते ऐशा जी, कैसी हैं आप? मैं आप दोनों की बहुत बड़ी फैन हूँ और आप दोनों बहुत अच्छी लग रही हैं। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? क्या कह रहे थे आप? हम? हाँ? नहीं, हम कुछ नहीं, हम तो कुछ नहीं कह रहे थे, हम तो यूं ही हंसी मजाक कर रहे थे बस। ओ ले ले, कितनी प्यारी क्यूट लग रही हैं आज आप। हाँ, अक्सर जब पति ना पत्नियों को क्यूट कहते हैं ना, मतलब इनसे कोई गलती हुई है, यही हाउसवाइफ का हाल है। मैं जितनी भी यहाँ पे हाउसवाइफ बैठी हूँ उनको बता दूं कि अगर आपका पति कहे कि आज बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हो, मतलब ये बाहर से कोई गलती करके आया है। देखो जी, मैंने भले ही एंट्री ना बड़ी क्यूट बन के ली है, लेकिन ज्यादा बोले ना तो जाने से पहले ना आपको चंडी रूप दिखा के जाऊंगी। आए बड़े भाभी, ये हेमा जी के सामने बोल रहा था, बच्चों को मैंने अकेले पाला है पेट काट काट के। देवर जी इधर आना थोड़ा आगे। हाँ जी। जब आपको पता है कि भट्टी में आग जल रही है, ऊपर घी क्यों डाल रहे हो? मैं तो सच बताया आपको। आए बड़े, क्या कह के रहे थे आप? एक मिनट, आप में इतनी हिम्मत आई कहाँ से? ना ही मैंने आपको चमनप्राश खिलाया, ना ही बादाम खिलाए, फिर इतनी हिम्मत? बोलो ये क्या कर रहे हो? बाप रे, ये मत करो है, अब इतना डर गए कि कभी कभी धोती गीली कर देते हैं ईशा जी, और इतने चला के धोती खुद गीली करते हैं, नाम बच्चों का लगा देते हैं। मैं भी कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे भी पता है क्वांटिटी किसकी कितनी होती है। यार बहुत ज्यादा पर्सनल हो रही हो तुम, तुम हमारी बेगम हो इसलिए माफ कर रहे हैं, वरना तो पटक देते हम। अच्छा जी, आना बेगम को सिर्फ ताश में ही पटका जाता है, असल जिंदगी में बेगम को हाथ लगा के देखो। हा? मार मार के आपके बादशाह को जोकर ना बना दिया तो कहना, बस बड़ा चुप हो जा। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं किससे शादी हुई है हमारी, कैसी किस्मत है हमारी। एक धर्म जी हैं जो टंकी पे चढ़े थे, उन्हें आप मिल गई, और एक हम हैं कि हम टंकी पे चढ़े, हमें टंकी मिल गई। अच्छा जी, टंकी मिली है, लेकिन मैं कितनी लकी हूँ हेमा जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे टाइगर श्रॉफ जैसा पति मिला है, हाथी का शरीर लगा के। आए बड़े, आपकी बात बताऊं, शादी वाले दिन ऐसा जी, जब हमारी शादी थी ना, इनकी सालियों ने इनके जूते चुराए, फिर जीजा की शक्ल देखी, बिना शगुन लिए वही जूते जीजा के मुंह पे मारे। नहीं 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 नहीं, तो हमें कौन सी सालियां जेनिफर लोपेज टाइप की मिली है? हम आपसे मजाक नहीं कर रहे हैं, आपने देखा है सालियां शादी में कैसे तैयार वैयार होती हैं, डिजाइनर कपड़े पहनती है, बैकलेस पहनती है। अरे बैकलेस तो छोड़िए, हमारी सालियां एक दांतलेस है, एक बाललेस है, एक कानलेस है, और एक तो शेमलेस है। तो क्या हुआ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, उन सब का जीजा भी तो नेकलेस है। शायद आप किसी को मालूम नहीं है हेमा जी, जयमाला डालते ऐसे ऐसे करके, इनकी ऐसे आई नहीं रही थी, मैंने नीचे से ऐसे डाली। आए बड़े, मैंने देखा था ऐसे करके जयमाला। चलो नेकलेस है, हम नेकलेस है, कोई बात नहीं, नेकलेस होना इज बेटर, इनकी तरह दिमाग लेस तो नहीं है हम। हेमा जी ईशा जी, हम बता रहे हैं आपको, गृह प्रवेश हुआ था, हमने इनसे कहा कि पैर से ना लोटे को मारना है, सामने हमारे पतले से दादाजी खड़े थे, इतना जोर से लोटे को मारा, हमारे दादाजी लोटे में आ गए। बता रहे हैं आप, सुबह सुबह
दादाजी खेत की ओर निकलते हैं तो पता नहीं चलता कि दादाजी लोटा लेके जा रहे हैं कि लोटा दादाजी को लेके जा रहे हैं। जब देखो मेरी गलतियां ही निकालते रहते, मेरे निशाने की तारीफ नहीं कर रहे। आए बड़े, अरे क्या तारीफ करें, आपको सच बता रहे हैं, घर के सारे काम ना हमें करने पड़ते हैं। घर का पोछा वोछा सब हम लगाते हैं, कपड़े हम साफ करते हैं, बच्चों का ख्याल हम रखते हैं, कपड़े हम बदलते हैं, सब हम करते हैं। तो 2000 रुपया क्यों देती हूँ मैं आपको? क्यों देती हूँ 2000 रुपया आपको? हेमा जी आपको भी पता बाइयों का क्या रेट है, 1500 में अच्छी खासी बाई मिल जाती। मैंने सोचा कि घर का आदमी है 500 रुपए एक्स्ट्रा दूं और फिर भी मुझसे लड़ रहे। आए पड़े, सबके सामने लड़ाई करते रहते हो। पता नहीं कौन से वो दिन थे जब मुझे ड्रीम गर्ल कहा करते थे। भूल जाओ, ये गलती हमने लाइफ में नहीं की है। हमने अपने ड्रीम में कभी तुम्हें गर्ल ही नहीं बोला है। ड्रीम गर्ल तो बहुत बहुत दूर की बात है। अच्छा जी, ईशा जी मैंने सुना कि आप फुटबॉल खेलती थी, है ना? तो हो जाए फिर फुटबॉल आपके सामने एक किक हो जाए। इतनी हम मेहमानों के सामने अपने पति से ऐसे बोलोगी तुम? कौन सा पति, किसका पति? मैं तो इनको बाहर पति पति भी नहीं कहती, मैं कह मेरे चाचा जी हैं। पति पति ऐसे होते हैं? ऐसा पति किसी का भी ना हो। ये बंदा आज तक मुझे कहीं घुमाने नहीं लेके गया। ईशा जी क्यों लेकर जाए? एक बार लेकर गए थे, वो पानी में पेंगुइन नहीं होता, वो अपने नाक पे ऐसे बॉल घुमा रहा था, ये पानी में घुस गई और पेंगुइन को अपने नाक पे घुमाने लग गई। ये तो क्या हो गया, मैंने पेंगुइन को नाक में घुमा दिया तो गेंडा स्वामी को क्या तकलीफ होने लग गई? तुमने अपने पति को गेंडा कहा? स्वामी भी तो कहा है, तुम ढंग से सुनते ही नहीं हो गेंडे। ऐसी ऐसी बातें लगातार ऐसी बातें करती है ये, कभी हमसे कोई रोमांटिक बात नहीं की है इसने आज तक। अच्छा जी ये क्या कर रहे हैं, अगर जाना है तो जाओ फिर। कब नहीं की रोमांटिक बात, याद करो परसों मैंने कहा नहीं था? सुनो जी अगर आप सब्जी लेने जा रहे हो तो अगर मुफ्त में धनिया मिले तो लेकर आना। मुफ्त का धनिया लाना कौन सी रोमांटिक बात हुई? देखो अगर ये धनिया लेकर आते मैं इनके लिए शाही पनीर बनाती, ऊपर डालती धनिया, आप शाही पनीर खाते अपनी उंगलियां चाटते, फिर मेरे हाथ चूम लेते, मैं आपके हाथ चूम लेती। है है। बस आप धनिया लेके नहीं आए, हमारी चूमा चाटी वहीं की धरी की धरी रह गई। अरे ये बात पहले बता देती तो धनिया क्या हम सब्जी वाला ही उठा के ले आते यार। चलो लड़ते नहीं है, चलो एक दूसरे के गले लगो। वाह जी वाह, जान बूझ के उन्होंने वही चीज बोली जो हमारे पास नहीं है। बच्चा जी हमारे पास जो चीज हम वही कर लेते हैं। यही ठीक है। लेकिन तुम सच बताओ, हम तुम्हारे साथ कभी भी रोमांटिक नहीं हुए? बता दूं, हेमा जी हुए थे कभी? एक बार ना सलमान खान की फिल्म आ रही थी। अच्छा। इन्होंने फिल्म देख के अपनी शर्ट उतार ली। फिर? फिर इनसे पहनी नहीं गई, इतना बड़ा पेट जो आ गया था, पेट से ज्यादा बड़ी नाभी है। तुमने तो हमारा पेट देखा है ना, तुमको पता है कि हमें खाने पीने का इतना शौक है, लेकिन हेमा जी ऐसा जी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा फेवरेट खाना ये बना के हमें खिलाए। नहीं करती है, नहीं करती है, नहीं करना है तो नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए एक पति के दिल का रास्ता ना पेट से होके जाता है। वो बाकियों के पति है जिनके दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। मेरे पति के पेट के रास्ते में जाके तो देखो 10-10 दिन पुराने पराठे पड़े हुए हैं। अभी तक वो पराठे अपनी जगह पे नहीं पहुंचे, मैं दिल तक स्वा पहुंचू गया। इतना ट्रैफिक, इतना मुंबई में ट्रैफिक नहीं है हेमा जी जितना इनके पेट में है। पता नहीं कौन सी मेट्रो का काम चल रहा है अंदर। ए, उदबिलाओ की फूफी, इतना अगर नफरत करती हो तो जाओ ना अपनी माँ के घर। अच्छा चलो, ऐसे बोलते हैं अपनी पत्नी को? और बोलो मियां बीवी के बीच आए बड़े देवर। आपको ना क्या मेरे देवर को कुछ कहने वाले? वो बंदा इतने प्यार से मेरी साइड ले रहा था, बोले ना पूछ से पटक के मारूंगी नीचे। चलो अब लड़ाई लड़ाई माफ करो, अंदर जाके कपड़े बर्तन साफ करो।
अब देखिए यहाँ तक आए हैं तो हमारे पास एक जॉक्स का पिटारा है, हम एक जॉक सुना दें आपको। अरे ऐसा जी, अगर आपको इनका जोक ना पसंद आए ना, बिंदास मारना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके तो जोक सुनाते हैं। आपको पता है ना, आपने दुबई में बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा 50 साल बाद बुर्ज खलीफा को हम क्या कहेंगे? बुजुर्ग खलीफा। बुजुर्ग खलीफा फनी था ना। हाँ, अब मेरी बारी। अच्छा ये बताइए, 35 और 37 एक साथ क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि उन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा, ये क्या जोक हुआ? जब आप जोक बोल रहे थे मैंने खराब किया, फिर आपने क्यों मेरा जोक खराब कर दिया? अंदर चलो, आपको मैं खराब करती हूँ। चलिए, आपके बुक के लिए आपको शुभकामना, हमें थोड़ा सा काम है अंदर, तो अभी हम चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अर्चना जी, चलिए शुभकामनाएं आपकी बुक के लिए। थैंक यू, आप जरूर खरीदिए मेरे बच्चे को भी आशीर्वाद दीजिए। वेरी स्वीट। थैंक यू, थैंक यू। चलिए मिलता है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अंदर जरा, चलिए चलिए आप चलिए। अरे जरा पैसिया को देखना, आइए जा रहे हैं भाई। तो चलिए, आपको ईशा ने जो बुक लिखी है अम्मा मिया, उसकी एक झलक भी आपको दिखा देते हैं। प्लीज मंच पे लिखे आइए। वाओ, राध्या एंड मिराया, बहुत क्यूट है दोनों। जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू, बहुत बहुत मुबारक आपको ईशा। थैंक यू इस खूबसूरत बुक के लिए। मदर्स जिनको आपको गिफ्ट करना है ऑन मदरहुड, आई थिंक दिस इज गोना बी अ वेरी वेरी गुड गाइड और एक अच्छा दोस्त समझ लीजिए इस बुक को। थैंक यू ईशा फॉर दिस ब्यूटीफुल बुक। आइए मैम। अच्छा मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आप सब हेमा जी को जानते हैं, वो एक बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस हैं और सांसद हैं, प्लस साथ में ये सोशल इश्यूज पे भी बहुत काम करती हैं। जैसे हेमा जी, हमने आपके गंगा के प्रोजेक्ट के बारे में सुना, मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को आप जरूर बताएं कि वो कैसे और किस प्रकार से आप कर रहे हैं काम। जी, मैं पिछले कई सालों से मैं डांस बैलेंस करती हूँ जी, ऑन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ऑन आवर इंडियन मिथोलॉजी के ऊपर। तो मुझे बहुत दिनों से मन था कि मैं गंगा के ऊपर कुछ करूँ। अच्छा जी, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे देश में इतनी नदियां हैं जी, उसको स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। तो इसके लिए मैंने सोचा गंगा इज द राइट सब्जेक्ट टू स्टार्ट विथ, क्योंकि गंगा एक ऐसी एक नदी है, देव नदी है। बिल्कुल। गंगा आती है और सत्य युग, देन त्रेता युग, द्वापर युग से होकर होते हुए शी कम्स टू द कली युग। तो आज के जमाने में हम लोगों ने उस गंगा को किस तरह से रखा है, कंप्लीटली पोल्यूटेड, एंड शी इज सो अपसेट। सो शी, उसका एक समय ऐसा आता है कि वो वापस चले जाना चाहती है, क्योंकि हम लोगों ने उसके ऊपर कभी फिक्र ही नहीं किया है। तो इसके ऊपर मैंने एक अच्छा मैसेज के साथ एक डांस बैले बनाई है। ओके okay. जो गंगा है, तो यू ऑल शुड सी इट व्हेनेवर आई परफॉर्म। श्योर श्योर हेमा जी, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बात कही है हेमा जी ने, हमें अपनी नदियों को पवित्र रखना चाहिए, और खासतौर पर जिसको गंगा नदी को हम लोग एक माँ का दर्जा देते हैं, एक देवी का दर्जा देते हैं। सो बड़ा खूबसूरत काम कर रही है हेमा जी आप, थैंक यू सो मच। और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारक ईशा बुक के लिए। थैंक यू हेमा जी, थैंक यू ईशा, थैंक यू। जोरदार तालियां हो जाए एक बार हेमा जी के लिए और ईशा के लिए। मैम थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू ईशा फॉर कमिंग, और बहुत मजा आप दोनों से बातें करके। थैंक यू सो मच, और आपके आने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच। तो आप सब लोग भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शबा खैर, थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।